पाकिस्तान के मरूफ स्कॉलर मौलाना तारिक जमील साहब, जिनके बेटे आसिम जमील साहब जो कि तलंबा में उनकी रिहाइशगाह के पास ही कार पर जा रहे थे, तो नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसकी वजह से मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील साहब को फायर लगे, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी होने की वजह से उनको फिर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल शिफ्ट करने पर डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी हालत बहुत नाजुक है और वो वफात पा चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना तारिक जमील साहब के लिए ये बहुत बड़ा सदमा हुआ है। मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर स्कॉलर हैं। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उन पर रहमत फरमाए, और उनके बेटे आसिम जमील को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ये बहुत बुरी खबर है मौलाना तारिक जमील साहब और पाकिस्तान के लिए। ये आप देख रहे हैं आसिम जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे जो के वफात पा गए। बहुत ही बुरी खबर आप सुन रहे हैं।